शहर में इसी दफ्तर के करीब मंगलवार की सरे शाम एक फाइनेंस कर्मी की पिटाई कर बाइक सवार युवक ने 40,000 की नकदी, सोने की चैन व मोबाइल लूट लिया। इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार युवक फाइनेंस कर्मी को धमकाते हुए फरार हो गया। पीड़ित ने सिविल लाइन चौकी में घटना की तहरीर दी है। एसपी ऑफिस के पास लूट की वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के नेपालापुर में रहने वाले अभिषेक शर्मा ने वारदात को अंजाम देने वाले में अपने एक परिचित के शामिल होने की बात कही है। पीड़ित के मुताबिक करण नाम का शख्स उसका कस्टमर है। किस्त के भुगतान को लेकर उसने बुलाया था और साथियों के साथ मिलकर पहले उसकी पिटाई की, फिर नकदी चेन व मोबाइल लूट लिया। वारदात को लेकर पीड़ित का क्या कहना है, आप भी सुनिए। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है, मैं नेपालापुर में रहता हूँ और मैं जा रहा था, करण मेरा कस्टमर है, उसने हमें पैसा लेने के लिए बुलाया था और मैं पैसा लेने जा रहा था, फिर उसने वहीं पे बुलाया और एसपी ऑफिस वाली गली में बुलाया और वहाँ पे हम जब पहुँचे तो 4-5 लोग थे, सब हमको मारने लगे और हमसे मोबाइल वगैरह छीन लिया, चेन छीन ली और कलेक्शन का पैसा था वो भी सब छीन लिया। लगभग 30,000 से 40,000 रुपये था हमारा कलेक्शन का, और चेन थी और मोबाइल वगैरह सब छीन लिया और हम लोगों को मारा भी और गाड़ी बचाने की कोशिश की। ये इन्होंने मेरे सर पे हेलमेट भी मारा, इनके हेलमेट भी मारा। वो 4-5 लोग थे, वो बाइक से थे। नाम है करण, नाम है उसका। हाँ, कस्टमर था मेरा पहले, मतलब हमने गाड़ी फाइनेंस की थी उसको, उसकी किस्तें वो नहीं दे रहा था तो कंपनी से फ़ोन वोन आया होगा जो भी, तो उसने कहा कि आओ पैसा ले जाओ, हम पैसा दे रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम आ रहे हैं। तो पहले तो उसको हमने शोरूम पे ही बुलाया लेकिन वो शोरूम पे आया नहीं। फिर हम उसको, उसने कहा कि हमको कहीं जाना है तो इधर गली में आ जाइए, तो हमने कहा ठीक है, हम आ रहे हैं वहीं गली में। जब गली में गए तो हमको मारने लगा, 4-5 लोग थे, सारे लोग मारने लगे और फिर सब पैसा वैसा छीन के सब भाग गए, पैसा नहीं, पैसा भी नहीं दिया, वो सीधे मारने ही लगे जी। लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये था और हम लोग चैन थी, सोने चैन पहने थे, वो छीन ले गए, मोबाइल भी मेरा छीन ले गया।